अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इदरीस और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आप सब दोस्तों वेलकम। एंड आई होप कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। आज हम आप सबसे कश्ती नू का एक वाक्य शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजम दबाएँ ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला को हुक्म हुआ कि आप एक कश्ती बनाएँ और उस कश्ती के अंदर आप सब जानवर चरेंग पेंग यानी कि सुनिए कि हर मखलूक का एक एक जोड़ा उस कश्ती के अंदर सवार करें। और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो एक बुरी औरत थी जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत किया करती थी और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास रोज़ आया करती थी। जब आप अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ हुआ करते थे तो वो रोज़ आकर पूछती थी कब काम मुकम्मल होगा और कब हम यहाँ से रवाना होंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ना एक दिन उन्हें कहा कि आप ऐसा करें, अपना घर चले जाएँ, आप ना ऐसे रोज़ रोज़ आया करें, जब काम मुकम्मल हो जाएगा मेरा आपसे वादा है मैं आपको खुद बुलाने आऊँगा और मैं आपको खुद बुला के और अपने साथ लेके जाऊँगा कश्ती में बिठा के। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम काम जब मुकम्मल हो गया तो उनके ना वो भूल गए, उन्होंने एक औरत से वादा किया था तो अल्लाह ताला का हुक्म आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया की हर एक जोड़े को कश्ती के अंदर सवार किया और चल पड़े। तो जब ये दुनिया सारी फिनार हो गई यानी कि सब कुछ अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया और सब कुछ ख़त्म हो गया, तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दोबारा उसी जगह पर आई जहाँ से चले तो देखा कि सब कुछ फिनार हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चलते चलते उन्होंने देखा कि एक जगह से ना झोंपड़ी नुमा घर सा बना हुआ है और उसके अंदर से ना रोशनी आ रही है। तो आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा हैरान हुए, जब आप वहाँ गए आप उससे भी ज़्यादा हैरान हुए। तो जब आपने देखा तो वही औरत जिनके साथ आपने वादा किया था कि आप उन्हें अपने साथ लेके चलेंगे कश्ती पर, तो जब आप उनके पास गए तो वो औरत आपके पास आई और पूछे कि क्या कश्ती का काम मुकम्मल हो गया है, तो क्या अब हम चलने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ ऊपर देखा और पूछा या अल्लाह ये क्या माजरा है। तो उसी टाइम अल्लाह ताला ने वही भेजी कि आपने इस औरत से वादा किया था और आप वादा भूल गए थे, तो इस औरत के दिल में आपके लिए मोहब्बत थी, तो हमने इसे अपने अज़ाब से महफूज रखा है और हमने आपने जो उसके साथ वादा किया था आप तो भूल गए थे पर हम नहीं भूले थे, तो हमने इसकी हिफाजत की है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगें और अल्लाह ताला से अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा दुआ और अच्छी चीज़ मांगने की कोशिश किया करें। और दुआ में याद रखें और चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।